हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आप ठीक है? मैं मोहम्मद जाफर सज्जाद आपका अपने चैनल टेंशन रिएक्शन में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ वीडियो पर रिएक्शन देते हैं, उन वीडियोस में ना सिर्फ कोई सॉन्ग होते हैं, ना कॉमेडी होती है, ना कोई फिल्म का ट्रेलर होता है, बल्कि हम उन पर भी रिएक्शन देते हैं जिनके साथ ज्यारतियाँ हो रही होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में, पंजाब में सिख बरादरी हमारे भाई हैं, वो उन्होंने एक एहतजाज किया हुआ है। वो अब वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, उन्होंने एहतजाज किया है। किस वजह से किया है? क्योंकि उनके उनको अपने साथ नाइंसाफी होती नज़र आ रही थी। उन्होंने इतनी सख्त सर्दी में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस वक्त पंजाब में बैठा हूँ, जिसे कहते हैं लाचदा पंजाब, वो उसे कहते हैं चरदा पंजाब, क्योंकि वहाँ से सूरज तुलू होता है और इस तरफ ग्रूब होता है। तो मैं बैठा हूँ पंजाब में, पाकिस्तान में, लेकिन जज्बा अपनी लैंग्वेज एक होने के बावजूद हमें उनसे प्यार है, हम उनके दुख में पूरा पूरा शरीक हैं। मैंने ना कुछ दिन पहले, मुझे ना किसी ने कहा कि आप इस वीडियो पर रिएक्शन दें और देखें कि उनके साथ कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मैंने 3 4 दिन बाद जब वो वीडियो देखी तो मुझे वाकई उनके साथ नाइंसाफी ज्यादती होती नजर आ रही थी। इतनी सर्दी में आप नहीं जानते कि यहाँ पाकिस्तान में, फैसला पंजाब में कितनी जोरों की सर्दी पड़ रही है। इतनी सर्दी में उन्होंने वो अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, उनको ना अपनी जानों की परवाह है। उन एहतजाज करने वालों में कोई 2 3 साल का बच्चा भी है और कोई 90 100 साल का बूढ़े भी बैठे हुए हैं। उन्हें अपनी जानों की बिल्कुल नहीं परवाह, उन्हें सिर्फ परवाह है तो अपनी अपने साथ नाइंसाफी होते हुए देखते हैं, तो वो अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे हो। अब जैसा कि जानते हैं कि सारा इंडिया, 100% इंडिया पंजाब के ऊपर इन्हसार करता है, जो वो काश्तकारी करते हैं या उगाते हैं या फिर उस पर करते हैं। पाकिस्तान में ना 80% लोग पंजाब पे इन्हसार करते हैं, लेकिन किस तरह उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की और अपनी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। बीबीसी की न्यूज़ मैंने लिख कॉपी की, क्योंकि मुझे इसका ओरिजिनल लिंक मिलने था ट्रेंड। तो पूरे पंजाब से वो लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए अपने सबूत देखे यार। इतनी सर्दी में उनके ऊपर ठंडा पानी, बंदो तो बंदे हैं, उन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ रहे वो, और औरतों भी उनके साथ एहतजाज में बैठी हुई हैं। ये देखिए नाजन, कैसे वो बुजुर्ग को मार रहे हैं, आंसू चल रही उन पे, कही जा रही है, उन पे पत्थर मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। वो ये देखिए नाजन, कैसे वो नाज़रीन, जैसा कि आपने ये देखे वीडियोस, इनमें कितने किस तरह की जुल्म ज्यादती उनके साथ हो रही है। उनके इस जज्बे की वजह से हम भाई उन्हें सलूट करते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें ना जानों की परवाह है, ना बच्चों की परवाह है, ना बीवियों की परवाह है, ना माओ की परवाह है। उन्हें सिर्फ परवाह है तो अपनी ज़मीनों की, अपनी वो साल में काश्त की हुई फसलों की। जैसा कि आपने ये देखा होगा, ये इतनी ज्यादती भी कोई जानवर के साथ नहीं करता जितनी उनके बुजुर्गों के साथ, उनके बूढ़ों के साथ की जा रही है। तो क्या ये लम्हा फिर फिक्रिया नहीं है? नाजन, मैं तो उन पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बात बहुत काबू करके बैठा हूँ।
हम मैं बस ये कहता हूँ कि हम उनके साथ हैं, सिख बरादरी के साथ। मैं उन्हें सलूट करता हूँ कि वो अपने जज्बे के लिए, अब वो किसी के लिए नहीं बैठे, वो अपने लिए भी नहीं बैठे, वो अपनी फसल काश्तकारी, अपनी ज़मीन के लिए बैठे हुए हैं। जिन्हें वो अपनी माँ कहती है वो उनके लिए बैठे हैं, लेकिन हुकूमत को इसका कोई भी फिक्र नहीं है। तो हम उनके साथ हैं। ऐसे ही जो जहाँ जहाँ जुल्म ज्यादती होगी हम वो आपके सामने लाएंगे। हमारी वो जुल्म ज्यादती के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उन सिख बरादरी के साथ कैसा जज्बा रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।